तो दोस्तों, कई बार आप अपनी डेली लाइफ में फ़ायदे से जुड़े कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ, या फिर इससे कुछ फ़ायदा होगा, या फिर वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो ये वर्ड है फ़ायदा, इसके लिए आप दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं। एक तो है आपका बेनिफिट और दूसरा है आपका एडवांटेज। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है डिड यू गेट एनी, और उसके बाद जो बेनिफिट या फिर एडवांटेज जो आपको लिखना है उसमें से आप लिख सकते हैं। अब वैसे ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यदि आप किसी और सेंटेंस को इसमें जोड़कर बोलना चाहते हैं तो इसकी वर्ब वगैरह वो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो आपकी चेंज हो जाएंगी। आगे से डिड भी चेंज हो सकता है यदि आप इसको किसी और सेंस में बोलोगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड यू गेट एनी बेनिफिट, यानी कि क्या तुम्हें इससे कोई फ़ायदा हुआ, इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वहाँ जाने से तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर गोइंग देयर। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसे करने से कोई फ़ायदा हुआ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर डूइंग दिस। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, यह खाने से कोई फ़ायदा हुआ। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।